नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज, खबर पटना से है। मकर संक्रांति के मौके पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस भोज में सीएम नीतीश कुमार समेत प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ है। वहीं भोज में पहुंचे नीतीश कुमार से जब मीडिया मानव श्रृंखला और सीएए और एनपीआर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मानव श्रृंखला बनाए जाने को लेकर तो जवाब दिया, लेकिन सीएए और एनपीआर की बात को टाल गए। वहीं उस दौरान सीएम ने मानव श्रृंखला को लेकर कहा कि आज पर्यावरण का जिस तरह से क्षति की जा रही है वो आने वाले समय में हमारे जीवन के लिए विनाशक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन और हरियाली पर मानव श्रृंखला का फायदा आने वाले समय पे बताएगा। साथ ही जब उनसे सीएए और एनपीआर को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दे पर 19 जनवरी के बाद जवाब देंगे। आज मकर संक्रांति का मौका है, आज का दिन आपसे प्रेम और सद्भावना का भाव होता है। आज उन विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जिससे लगे लोगों को अलग अलग राय है और झगड़े का माहौल हो। आराम से दही चूड़ा का मजा लीजिए। पर्यावरण बना है और लोग इस बात को समझने लगे हैं कि पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान होने वाला है, इसलिए लोगों की सजगता हम देख रहे हैं और लोग अच्छी खासी संख्या में जरूर शामिल होंगे। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग भी जरूर मानव श्रृंखला में शामिल होइएगा और एक पत्रकार के रूप में आप लोगों को भी कहिए, प्रेरित करिए कि इसमें शामिल हो और आपको जितनी बात करनी हो, जो भी बात करनी हो, चाहे वह मुद्दा जो भी हो, उस पर आप 19 तारीख के बाद बात कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जल जीवन हरियाली पर आपको सफलता मिल रही है। बहुत अच्छा वातावरण बना है, लोगों में कॉन्शसनेस है जल जीवन हरियाली के लिए और जो नामकरण हम लोगों ने किया है इस बात को बहुत अच्छे ढंग से लोग समझ रहे हैं कि जल जीवन हरियाली, यानी जीवन जल और हरियाली पर ही निर्भर करेगा। अगर जल और हरियाली है तो जीवन सुरक्षित है, अगर जल और हरियाली में कमी आएगी तो जीवन संरक्षित नहीं रहेगा, उसकी सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होगा, आने वाली पीढ़ी पर संकट उत्पन्न होगा। इसलिए इस अभियान का जो नामकरण हम लोगों ने किया है और इसके अलावे जो हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है और 11 आइटम इसमें जो हम लोगों ने तय किया है और सब चीज पर हरेक पूरे और मुजफ्फरपुर के इलाके के जो बीमारी से प्रभावित लोग होते हैं उन इलाकों में खास करके 5 प्रखंड में सब लोगों को देंगे और यही हम लोगों का है। और चल वो सब पर काहे का आप लोग इतना ज़्यादा बिना मतलब का बहस चला रहे। आज जो है जो ये आज चूड़ा दही खाइए आराम से और आज का दिन हम शुरू से कह दिए मकर संक्रांति के दिन आपस में प्रेम का और सद्भावना का भाव होता है। आज के दिन उस विषय की चर्चा मत करिए जिसमें लगे कि अलग अलग ओपिनियन है और कुछ झगड़े का माहौल है, ये ठीक नहीं है। तो आज के दिन तो हम सब लोगों को बधाई देते हैं।